आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस दौरान पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई है। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। अब वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना और पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, तो वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के ADG लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार से खास बातचीत की न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला ने। सुनिए, तरीके के इंतजाम हैं, फुल सुरक्षा किया गया है सर, यहाँ पे भी सारे खुश हैं, कहा कह रहे हैं कि अच्छे इंतजाम किए गए, लेकिन शिवखोरी के बाद थोड़ा सा डर था, तो क्या आपको लगता है कि डर का कोई माहौल नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए? पूरा जितना भी 3-tier सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया, आरोपी लगाया गया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी दिया गया है। तो खासतौर से जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोगों का एनुअल एक होता है, इवेंट बड़ा इवेंट है, इसमें पुलिस सिक्योरिटी फोर्स प्रशासन मिलकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग के सफिशियंट CAPF की कंपनियां मिल गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ADGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, जिनका कहना है कि सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि एनुअल जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन अयूब के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, गांधरबल।